1 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। यूट्यूबर बनना बहुत इजी है, कोई भी अपने फ़ोन को कैमरे को ऑन करके बातचीत करके अपना राय बता सकता है, बट कौन सा जेन्युइन है कौन सा जेन्युइन नहीं है, कौन सा लीगल वीडियो है कौन सा लीगल वीडियो नहीं है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जब 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है, जी हाँ, वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं अभी क्या करूँ। तो जब आप पैसा सेंड कर रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन रेडी करके रख दिए हैं। आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। फिर भी आप कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाके पैसे को सेंड करते हैं जहां पर पैसा आपका डूब जाता है। बहुत सारे थर्ड पर्सन को आप अपॉइंट करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको ये दावा करते हैं कि हमें कुछ चार्जेस दे दीजिए, हम जो है पैसे को एक जगह से अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे। बट वो इलीगल होता है, वहाँ पर अगर आपका पैसा डूब जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस होके एंड तक देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। गूगल पे से आपको कैसे करना है, अगर गूगल पे से आपके फोन में नहीं हो पाता है तो कौन से ऐसे लीगल अल्टरनेटिव वे है जहां से आपको पैसा ट्रांसफर करना है। दोस्तों चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को जो है आगे ले चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल पे से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है या नहीं होता है। सबसे पहले मैं ये डाउट क्लियर करता हूं, गूगल पे से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है बट हर एक कंट्री में नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पर अगर एक फ़ोन खरीदते हैं और आप एक नया मेल आईडी ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको प्ले स्टोर में गूगल पे का एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर आपको गूगल पे का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो जहाँ पर देखने को मिलता है बहुत बढ़िया है, जहाँ पर नहीं देखने को मिलता है वहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल आप नॉलेज के तौर पे रख सकते हैं, अगर आपको दरकार है नहीं दरकार है वो अलग बात है। अगर आपके फ़ोन में गूगल पे नहीं आ रहा है तो आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर एक मेल आईडी जो इंडिया में बना हुआ है, वही मेल आईडी आप जो है फॉरेन कंट्री में उस फ़ोन में आप ईमेल आईडी को जो है इनपुट करिए, जहाँ से वहाँ गूगल पे का ऑप्शन देखने को संभावना मिल सकता है। बट कभी कभार जो है ट्रांजेक्शन नहीं मिलता है देखने को। गूगल पे ने आज से 1 ईयर पहले जो है एक न्यूज़ बताया था कि हम जो है गूगल पे में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं कि गूगल पे बीटा वर्जन में कहीं हद तक ये अवेलेबल है और ये जो है ट्रांजेक्शन करते हैं वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। गूगल पे करता क्या है, थोड़ा सा इजीएस्ट कर देता है आपके ट्रांजेक्शन को, यहाँ से इजीएस्ट मोड में आप एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गूगल पे बीटा वर्जन से अगर आपका हो पाता है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो आप वाइज में जा सकते हैं। देखिए दो तरीके से आप जो है पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जो है आप बैंक अकाउंट का पूरा फिलअप करिए एंड लोकल बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करिए। नेक्स्ट जो है आप फॉरेन कंट्री में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर केसेस में स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। ये स्विफ्ट कोड आपको कहाँ मिलेगा, देखिए बहुत सिंपल है, आपको अभी डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है वाइज बोल के एक वेबसाइट एंड आपको साथ ही साथ देखने को मिल रहा है वेस्टर्न यूनियन बोल के एक वेबसाइट। यहाँ पर आप जो है स्विफ्ट कोड के द्वारा, जी हाँ स्विफ्ट कोड के द्वारा आप पैसे को एक कंट्री से अलग कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे जो यूट्यूबर है, जैसे मेरे पास जब यूट्यूब पेमेंट आता है वो फॉरेन कंट्री से आता है और वो स्विफ्ट कोड के द्वारा ही मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसी प्रकार से आपको भी स्विफ्ट कोड का दरकार होगा और ये स्विफ्ट कोड आपको कहाँ मिलेगा, जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट के मैनेजर के साथ आप बात करिए और उनको बताइए कि हमें जो है स्विफ्ट कोड लगेगा, हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको जो है स्विफ्ट कोड मिल जाता है। मोटा मोटा तौर पर अगर बताया जाए, गूगल में बहुत सारे वेबसाइट है बट बहुत सारे वेबसाइट जो है वेरीफाई नहीं है, वहाँ पर आपका पैसा जो है फंस सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप SBI में करिए, गूगल पे बीटा वर्जन में देखिए, साथ ही साथ
आप जो है वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन में आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वाइज का जो है एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, जिसका जो है पूरा आपको यू नो डिटेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से गूगल पे से आप कर सकते हैं, बट गूगल पे से अभी उतना सक्षम नहीं हुआ है, वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैंने गूगल पे के जो कस्टमर केयर है, मैंने जब बात किया और थोड़ा सा जानने के प्रयास किया, तो वो क्या कह रहे थे कि आप इंडिया में हैं, आप यूके में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पैसा गूगल पे के द्वारा, या आप साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका आइडेंटिटी इंडिया होना चाहिए, बैंक अकाउंट इंडिया होना चाहिए। यू नो बैंक अकाउंट इंडिया मतलब क्या है, जैसे SBI आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा और SBI का अकाउंट आपको फॉरेन कंट्री में भी देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से अल्टरनेटिव बैंक आपको नहीं, आपको इंडियन बैंक, अगर आप इंडिया से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इंडियन बैंक से ही जो है इंडियन बैंक में ही आपका पैसा लेन देन होगा, ट्रांसफ़र होगा। मेरे गूगल पे के साथ बातचीत करने का अनुभव जो है वो विस्तारित रूप पे अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अभी भी गूगल पे को बहुत काम करना बाकी है, बट अभी फ़िलहाल इस मोमेंट पर आप वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, आप वेस्टर्न यूनियन का यूज़ कर सकते हैं, एंड आप SBI एंड PayPal का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से आप जो है पैसे को ट्रांसफ़र करिए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिलेगा, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको जो है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है जहाँ पर आप अपना राय बता सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो लाएंगे, जहां पर इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से आपका यूके, इंडिया से दुबई, ऐसे करके बहुत सारे कंट्री का पैसा या करेंसी आपको कैसे ट्रांसफ़र करना है विद लीगल वे में, वो वीडियो स्टेप बाय स्टेप आने वाला है। और बार बार एक बात मैं बताना चाहूँगा, यूट्यूबर बनना बहुत ईजी है, कोई भी अपने फ़ोन को कैमरे को ऑन करके बातचीत करके अपना राय बता सकता है, बट कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है, कौन सा लीगल वीडियो है, कौन सा लीगल वीडियो नहीं है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी वीडियो आप देखें तो थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखें। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप YouTube से ले रहे हैं तो आप खुद से एक रिसर्च बेस्ड कॉपी तैयार करिए, फिर आप काम करिए। उम्मीद करता हूँ जो मैं बताना चाहता था आप समझ गए होंगे। कुछ टाइम के लिए मैं आप सभी से अलविदा मांगता हूँ, मिलता है ठीक इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोच के साथ और एक नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।